मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए बेटा, हम रेशियो नंबर्स के बारे में बातें कर रहे थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है। फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन वन एंड टू। क्या करना है बेटा हमको? हमको दो नंबर दिए गए हैं वन एंड टू, इनके बीच में हमको पांच रेशनल नंबर्स क्या करने हैं बेटा, फाइंड आउट करने हैं। देखो किस प्रकार से करेंगे को करने के, क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछूं कि वन और टू के बीच में कितने रेशनल नंबर्स अवेलेबल हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? इनफिनिटी। इन दोनों के बीच में हम चाहे जितने नंबर्स क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। कोई पता नहीं कितने नंबर आएंगे, अनंत लिख सकता हूँ मैं, आपको जितने लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे कितने पूछे, सिर्फ इतने मात्र पांच पूछे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। कहते रखा हमको एक वन दिया है और एक क्या दिया है, टू दिया है। तो वन और टू के बीच में कितने नंबर फाइंड आउट करने, पांच नंबर क्या करने, पांच रेशियो नंबर फाइंड आउट करने। देखो मैं पहला नंबर कैसे करूंगा, दोनों को सम करो और किससे टू से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू। इन दोनों के बीच में एक रेशियो नंबर तो मेरा आगे बेटा कौन सा, थ्री बाई टू आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से मैं दोबारा करूंगा, इसी तरह से दोबारा करूंगा, कैसे, 3 by 2 में 2 को ऐड करूंगा और फिर दोबारा से 2 का भाग दे दूंगा, 3 by 2 plus 2 divided by 2। इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, कैसे करते हैं सॉल्व, LCM ले लो, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 3, ये 2 to the 4 और ये कौन में 2 तो ये है ही 4 और 3 7 और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 7/4। ये आपको करना आना चाहिए, आपने पिछली कक्षा में सीखा होगा। देखिएगा 3 by 2 और इसके बीच में 2 के बीच में मैंने एक संख्या क्या निकाली थी, 7/4, ठीक है। होने को ये तो एक और दो के बीच में ही है, तो दो संख्याएं तो मैंने निकाल दी। अब तीसरी कैसे निकालूंगा, 1 और 3 बाई 2 के बीच में एक निकाल देता हूँ। देखो 1 प्लस 3 बाई 2 बाई 2, इसको भी एलसीएम लेके इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ये 2 प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन में मान लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2, 3 आ जाएगा मेरा 5/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दो बेटा कितना, 5/4 लिख दो, ठीक है। कितने नंबर्स आ गए मेरे, 1 2 3, दो नंबर्स तो निकाल लें। तो बेटा दो नंबर्स को हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, या तो मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में एक नंबर निकाल दूं, इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल सकता हूँ, इन दोनों के बीच में से एक नंबर निकाल सकता हूँ और इन दोनों के बीच में से एक नंबर निकाल सकता हूँ। आपकी जहाँ से मर्जी है वहाँ से दो नंबर्स निकाल दो कोई से, ठीक है। मैं इन दोनों के बीच में से निकाल देता हूँ एक नंबर, ठीक है। चौथा नंबर देखो, 1 प्लस 5/4 कितना आ जाएगा, 4 इसका एलसीएम होगा, ये 4 प्लस 5 अपॉन 2 9 अपॉन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये मेरा कितना आ गया बेटा, 9 अपॉन 8 आ गया। अब आगे समझिएगा बात को, एक पांचवा नंबर और निकालना है मेरे को, तो मैं पांचवा नंबर कैसे निकाल सकता हूँ, इन दोनों के बीच में से एक नंबर निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस दोबारा दोहराएंगे। ये कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम आएगा 4, ये होगा हमारा 7 + 8/2, क्या जाएगा मेरा 15/8 आ जाएगा। इसके बीच में निकाला था मैंने 7/4 और 2 के बीच में, कितना आया था मेरा 15/8 आ गया। मेरे को पांच नंबर निकाल लेते, मैंने पांच नंबर निकाल लिए, एक मेरा ये रहा, एक नंबर मेरा ये रहा 2, एक ये रहा मेरा 3, एक ये रहा मेरा 4, एक ये रहा मेरा 5। इस तरह से अगर पांच से ज्यादा नंबर पूछे होते, 6-7-8 नंबर पूछे होते तब भी निकाल देते हम। अब इन दोनों के बीच में एक निकाल दो, 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 चाहे जितने नंबर हम निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, ये हमारे कितने नंबर निकल गए, पांच नंबर निकल गए। और ये हमसे पूछा था, क्या पूछा था, एक और दो के बीच में पांच रेशियो नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जो कि हमने कर दिए। आगे बेटा बात समझ में,